हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो भाई बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे, और बच्चे गए स्कूल, और स्कूल जाने के बाद हम लग गए फटाफट अपने घर के कामों में। और आज निकलेगा वो भाई बुस हमारा, तो सारा दिन आज मुझे भाग दौड़ में लगा रहेगा। और चाय भी कहाँ जा रही है फैल के, रुक जाए यहीं, फिर तो भागना ही है सारे दिन। और सबसे पहली बच्चा के जाते के साथ और दिन फुर्सत में करता रह गया, दूध गर्म होने की नहीं रख दिया है। अब बर्तन साफ करके टाइम लगेगा तो पोछा लगा दांगा, अन्नी तो अपने चला दांगा भाई अपने और काम में। नहाए धोई तो देखो आज कितने बजे होएगी और बर्त कितना बजे होएगा। और ये दोनों भाई आज छुट्टी पे, इनने तो बानो मिलो चाहिए छुट्टी करण को, बालका ने करण नहीं देवे और खुद छुट्टी कर करके बैठ जाए। तो बड़ो वालो लड़को कह रहा है बाबा, तो बाबा मैं भी छुट्टी कर लूँ। बाबन कह दी जो छुट्टी करेगा वो बुस घेरे। वो यार कोई बात ना बाबा, बुस तो मैं घेर दूंगा, बस छुट्टी की नहीं आम ही भर दो। बाबन कह दी मारूँ कान पर, चुप स्कूल चलो जा, तो भगा दिया भाई। नहीं उनने तो बहानो मिल जाए बस छुट्टी करने को। तो भाई आप तो मिला हम थोड़ी देर के बाद। तो भाई फाइनली जो है हमने फटाफट घर का सारा काम निपटा लिया, और समय ज़्यादा नहीं हुआ, आज बजे हैं बस 9। और नहा धो के हम तैयार भी हो गए, और अपने भाई ड्रेस बदल ली है अपनी, और ड्रेस पहन ली अपनी तूड़ा वाली जिन पैर के हम भुस गेरांगा। और नहा धो के पहली पूजा कर ले मैं अपना बर्थ खोलना, क्योंकि भैया कहेगा है जे नू कह दी ना हमने भूख लग रही है प्यास लग रही है बीच में, तो थारी खैर नहीं अपना बर्थ खोल कर ही। तो भाई इतने भुस आवे इतने अपने पूजा और कर लेवा, अपने चाय पानी पी लिया। और भाई आज है मैया रानी का चौथा नवरात्रा, तो भाई पहले पूजा पाठ कर लेवा और भोग लगा दे मैया को, और आप तो मिला थोड़ी सी देर में। तो भाई पूजा वूजा हमने कर ली है, और आज हम चाय नहीं बनाएंगे, अब चाय पियेंगे हम बाद में। और जो कुछ खाएंगे मैं आप तो दिखाऊंगा, अभी देखना हम क्या खाएंगे आज। तो भाई आज है मैया रानी का चौथा नवरात्रा, तो सबसे पहले तो भाई मैया रानी की जय हो। और आ जाओ आज आपने खिलाऊं, देखो यो मारो पिटारो एन तो हटा दें। अरे आज काना में लस्सी दोनों की, साथ में लड्डू, थोड़ी सी नमकीन है व्रत की, और एक एक पिठा की मिठाई है। और भाई जिस किसी ने खानी हो चाय पीनी हो आ जाना हमारे घर पे, चाय नहीं बनाई आज देख लो। और चाय इन्हें चाय ने पी के, अरे अपने चला अपने दाड़े पानी पे, और आके फिर बाड़क भी आ जाएगा इतने, और आप तो मिलेंगे हम दोपहर में। तो भाई एक खेत पे वह दो ट्रोली तो भूस घेर दिया, और आगे अपने घर ने, और ये चाय बना के दर दी है जो भूस निकाल रहा है। और अब अपना जो यहीं पे खेत है अपने पड़ोस में ही पौधा मर रहा है छोटा सा, अब यहाँ गिरन जाएगा शाम ने, और बैठा दिया ना नूनी बताई अभी गिरेगा भूस अख साँझ ने गिरेगा। और अब मैं ना आ रहा आड़कसो, और अब जब लेट गई तो नू कह देगा इभी गिरेगा, और जब अपने नूई बैठी रही तो नू कहेगा साँझ ने गिरेगा। और एक या डोलरी बावली सी मेरी तरह गई काम में फोन करके बूझू चाय बन गई, चाय बन गई। अरे नू पता अगर तो हम अर्द पानी भर के दर दियो खेत पर पानी बिना, तो और लाइट का कोई भरोसा ही ना रहे, जब पानी की प्यास लगे जब लाइट भग जा, और जब प्यास ना रहे जब लाइट आई रहे, तो यह भी दिक्कत होगी। अब पानी भर के दर दिया, अरे भी इसका पापा आवेगा अरे ना लेके जाएगा, और बाड़ा का भी आया नहीं है और हम आ गए, तो अब थोड़ी देर आधे घंटा आराम करना और फिर दोबारा जाएंगे हम दाढ़ी पे। नू बता दाढ़ी देगो कोई ना देवे, कुछ भी ना दे, ना एक एक सूट इस दिलवा दियो गर्मी के, नू कह रही हो ले राजी राजी तो हम हो ही लिया, कोई दिवाओ चाहे मत दिवाओ। तो भाई ये मिला थोड़ी सी देर में। तो भाई अब समय हो रहा है दोपहर के 12:30, और हम ना दो के बन गया है मास्टरनी। मैं मास्टरनी हूँ या मैडम है, और गैर में चढ़ा दिया अब अपने थकान दूर करने के लिए भाई चाय कित गई तेरी चाय, हाँ बनात रही है, और चाय पी के करांगा थोड़ी सी देर आराम, क्योंकि बुस की फिलहाल दोपहर दोपहर की होगी छुट्टी, शाम ने फिर जावांगा गेरन की निया, तो इतना थोड़ी देर सस्ता ला फिर आ जाएंगे बच्चे। और इन दोनों भाइयों ने कर लिया आज की छुट्टी, तो भाई यो काम बहुत ज़रूरी है, और यो काम
हो जा तो हम भी थोड़ा सा निफराम सा हो जाएगा, फिर तो हम फ्री आ, फिर ना फिर तो अपना घर घर का ही काम रह करेगा। तो भाई चाय पानी पी ला और थोड़ी देर अब करांगा हम आराम। तो भाई अब समय हो रहा है 3:20 और साथ में जो है बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर होमवर्क। मेरा तो भाई बिल्कुल भी मन ना करा पढ़ाने का, और मेरा तो इसो जी कर रो तू आराम कर ले, पर मजबूरी हो रही है इनका काम करवाना। और देख लो अलग अलग बैठा है टिंडा, और एक बैठी है ऊपर मास्टर ने मारी, और यह कर रही है शाम का खाना की तैयारी। के बनाए वो कह रही है वे आलू। तो भाई अब ये आलू इतना मंगवा दे तो और सब्जी तो कुछ कोई ला ना रहे हो, क्योंकि खेत में लग रहा है सब टाइम बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इनकी निया बना देगा आलू की सब्जी, आलू और सोयाबीन, और अपनी निया बना लेगा आलू की सब्जी अलग से बर्फी की, और इनकी बना देगा चरतिया की। और तो भाई इनका काम करवा देगा, और फिर शाम ने फिर जाना हमने दाढ़ी पे, और सांझ ने दाढ़ी लेके आवांगा। तो ये क्यों है? तो भाई फोन गिर जाता बच को। तो भाई इनको काम करवा दे आपसे मिलना थोड़ी देर के बाद। तो भाई अब समय हो रहा है शाम के 4:30 और मैं बना रही हूँ सब्जी इतनी जल्दी, क्योंकि फिर हमें फिर से जाना है खेत में काम करने के लिए, और अपने लिए बनाऊंगी जो है खाली आलू की सब्जी। सब्जी कुछ भी नहीं है घर में, बस यही बन रही है रोज आलू बैंगन आलू शिमला मिर्च और खाली आलू, और यहाँ टमाटर और हरी मिर्च कट कर दी है, और बाकी के लिए बनेगी आलू। और ये मैंने सोयाबीन जो है वो भिगो के रख दी है, तो बाकी के लिए घर फैमिली के मेंबर के लिए इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो पहले अपनी व्रत की बना देती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बड़ा वाला जो है घी का। अब ये घी गर्म हो गया, अब इसको छोक देती हूँ सब्जी को, और जब बन जाएगी तब दिखाती हूँ। और भाई जो छोटा कुकर है वो हो गया है ख़राब, इसलिए इसी कुकर में बनाऊँगी फिर दूसरी वाली सब्जी, इसको खाली कर दूँगी और जब बनाऊंगी इसमें दूसरी सब्जी में। तो भैया बनके होगी अपनी सब्जी तैयार बर्त वाली, साथ के साथ में यहाँ पे चढ़ा दी चाय, और ये कुकर कर दिया मैंने दोबारा से साफ, और इसमें जो है चढ़ाऊंगी अपनी जो है चरतिया वाला की इनकी बाकी सबकी सब्जी। तो इसमें दोबारा सब्जी बनाऊंगी कुकर खाली करके, और एक चाय पानी पी के फिर हम निकलांगा। तो भैया तेल हो गया है गर्म, और ये सोयाबीन जो है मैंने भिगो रखी थी सबसे पहले निचोड़ ली है, और इनको फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद फिर बनाऊँगी इसकी सब्जी, और जब बन जाएगी तब दिखाऊँगी आपको। तो भाई देख लो यह बना दिया हमने बाकी फैमिली मेम्बर की सब्जी, और बिना लहसुन की है और बिना प्याज की है। और भाई फटाफट फटाफट कर दिया हमने घर का सारा काम ख़त्म, और ये भी दूध गर्म करके रोटी और बना दें, फिर हमारा सारा काम हो जाएगा ख़त्म। और साथ में जो अपने आलू की सब्जी के साथ रायता और बना दिया है मैंने खीरे का, और रोटी हम बनाएंगे नहीं, बस वही खा लेंगे, और वही मैया का भोग लगा के और व्रत खोल लेंगे। तो भाई मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड, क्योंकि आज हमारी लेफ्ट राइट हो रही है कुछ ज़्यादा ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।